फरीदाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में कांग्रेस ने स्लम क्षेत्र में अपनी पकड़ तेज करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के स्लम एरिया पटेल नगर झुग्गी बस्ती के लोगों ने विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस नेता लखन सिंगला व युवा नेता नितिन सिंगला मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने महेंद्र प्रताप व लखन सिंगला का गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच से संबोधन के दौरान महेंद्र प्रताप ने क्या कहा, सुनिए। शायद वो आप भी जानते होंगे, झुग्गी झोपड़ी एरिया के लिए तो ये जाना जाता था कि महेंद्र प्रताप ही बसा रहा है सारी को। मैंने अपने दायित्व को गरीबों के लिए झुग्गी झोपड़ियों के लिए उसे पूरा किया है। काम कितने के लिए है, चार आर का सारे एरिया मेरा ही तो है सारा जो है। तो भाई इसलिए मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। मुझे पार्टी ने क्यों भेजा है, मैं गठबंधन का उम्मीदवार तो हूँ, लेकिन मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। लेकिन जब जनता की सर्वे किया पार्टी ने, तीन तीन बार अच्छे उम्मीदवार कांग्रेस के और भी थे, चारों तरफ से ये आवाज सर्वे ने दे दी कि भाई महेंद्र प्रताप को अगर ले आए तो बीजेपी को हरा देंगे, और नहीं आए तो देख हम कुछ जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो भैया मैं तो आपकी आवाज पे आया हूँ, मैंने टिकट के लिए मैं पार्टियों के साथ साथ गठबंधन के साथ आम जनता का भी उम्मीदवार हूँ आपका। अब ये इज्जत मेरी नहीं आपकी भी है, मुझे आप अच्छी तरह जानते हो, वर्तमान कर्षण पाल को भी जानते हो। ये मेरी इलेक्शन भी लड़े हैं, पहले एक बार 160 वोट से हार गया था मुश्किल से मैं, और दूसरी बार आपने मेरे रूप में इसको 64,000 से भी हराया था, ये भी समय और आपका प्यार मेरे साथ रहा है। दूसरी पार्टी के लिहाज से कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, मैं मिनिस्टर भी रहा, सीएम भी लीडर रहा, इतने काम फरीदाबाद में हुए हैं कि देखिए, मेट्रो से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज से लेकर इतनी डेवलपमेंट की है कि आज कांग्रेस के इस काम को याद करते हैं। इन्होंने क्या दिया है इस देश को, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, महंगाई तीन तीन चार चार गुना, गरीब लोग के लिए आज 20-15 हजार की तनख्वाह में गुजारा भी नहीं होता, महंगाई इतनी, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कर दी और गैस की कीमत कहीं तो इन्होंने अब 250 बताएंगे, पेट्रोल 35 बताएंगे। मोदी जी ने कहा था कि मैं अपनी गारंटी पूरी ना करूं तो मुझे 84 सजा दे देना, मुझे याद है 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, काले धन को लाने की दी थी, क्या कोई चीज पूरी हुई है, नहीं हुई। और 10 साल इनको दे दिए, इनको तो सजा देनी चाहिए, इनको अधिकार नहीं है तीसरी बार का। तीसरी बार यूँ कह करते हैं, तीसरी बार भी अगर किसी को ऐसा दिया तो पाप हो जाएगा, फिर बादशाह अच्छी नहीं मानी जाती। हमारे बुजुर्ग अध्यापकों से आज हिसाब लेने का मौका आ गया है कि भाई कि अब तुम्हें हमारे पास आने का हक नहीं है। कांग्रेस ही है जिसने देश को सब कुछ दिया, देश को संविधान दिया, आजादी दी, आज उसकी आजादी संविधान के लिए भी खतरा है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि गरीबों का यदि कोई विकास करवा सकता है तो वो कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोग उन्हें वोट देकर विजयी बनाएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।